नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो यहां पर जेल की सलाखों के पीछे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वापसी की है वो एक बड़ा फैक्टर बन गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते यहां अरविंद केजरीवाल को चुनाव से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, बशर्ते अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि ये वाकई में एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 20 दिनों की पैरोल दे दी गई है। अब 20 दिनों की पैरोल देने के बाद अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल एक रोड शो को यहाँ पर जो है उसको संबोधित करने पहुंचे थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने जन प्रचार करते हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, सुनिए जरा। 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव प्रचार करूं। ये तो ऊपर वाले ने की, बजरंग बली की कृपा है। बजरंग बली का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। बजरंग बली का मेरे ऊपर बहुत बहुत मेरे ऊपर उनकी कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मेरे को 20 दिन दे दिए चुनाव प्रचार करने के लिए और मैं आपके बीच। ये किसी चमत्कार चमत्कार से कम नहीं है। ऊपर वाले ने चमत्कार किया। मैं ये सोच रहा था इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों करा, मेरा क्या कसूर है। छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी हमारी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर पंजाब और दिल्ली, 2 राज्यों में हमारी पार्टी है। क्यों करा इन्होंने गिरफ्तार? इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली में मैंने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली में पंजाब में दोनों जगह मैंने फ्री बिजली का इंतजाम कर दिया। मेरा ये मानना है मैंने 500 स्कूल बनाए, अब 5000 स्कूल बनाओ तब आपका बड़प्पन है। मैंने 500 स्कूल बनाए तो ये केजरीवाल को अंदर कर दो ताकि और स्कूल ना बना सके। ये गंदी राजनीति है, इससे देश का फायदा नहीं होता। ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि मैंने पंजाब में और दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, लोगों का फ्री में इंतजाम इलाज हो रहा है, फ्री में सबके लिए फ्री में दवाइयों का इंतजाम कर दिया। लेकिन विडंबना देखो, जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को मेरी दवाई नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूँ, 20 साल से मैं शुगर का मरीज हूँ, रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। जब मैं तिहाड़ जेल गया इन्होंने मेरी इंसुलिन बंद कर दी, 15 दिन तक शुगर की दवाई नहीं दी। मेरी शुगर 300 से ज्यादा हो गई। शुगर कई दिन तक ज्यादा रहे तो आदमी की किडनी और लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। अब ये कह रहे हैं कि 20 दिन के बाद मेरे को दोबारा जाना है अंदर। मैं अंदर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर उस दिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबा दिया तो मैं आपके बीच में आजादी से घूमता रहूंगा। चारों तरफ बता देना, जिस दिन वोट डालने जाओगे
इस बार वोट इस बात की वोट है कि केजरीवाल को अंदर भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते। और एक बात आपको याद होगा, 3.5 साल पहले ढेरों किसान देश भर से ढेरों हजारों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े, कूच कर दिया दिल्ली की ओर कि दिल्ली जाएंगे अपनी बात अपनी मांगे मनवाने के लिए। इन्होंने दिल्ली घुसने नहीं दिया आपको, सड़क के ऊपर कीले लगा दी, सड़क के ऊपर बोल्डर लगा दिए बड़े बड़े सीमेंट के। क्यों भाई, दिल्ली किसकी है? आपकी है। दिल्ली 140 करोड़ लोगों की है, जनता की है दिल्ली, इनके पिताजी की नहीं है दिल्ली। इन लोगों ने जिन्होंने आपको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, इस बार ऐसा बटन दबाना इनको दिल्ली से भगा देना। सही है कि नहीं है? इस बार अपनी जब उनके पास ताकत थी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, इस बार तुम्हारे पास ताकत है, तुम अपनी ताकत। मैं भी हरियाणा का हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों को इन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, उनके उनकी इज्जत पे आ गई। हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, और इनकी हिम्मत देखो, जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा उसके बेटे को टिकट दे दी। एक तरह से हरियाणा के लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो। अरे हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार करके दिखा देना इन लोगों को, जिन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि परमानेंटली उनको हरियाणा के बाहर कर देना। और 25 मई और दोस्तों मैं खूब बातचीत कर रहा हूँ चारों तरफ से, लोगों से खूब बात की है पूरे देश भर में। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही, आप ही बताओ महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, इनकी सरकार नहीं बन रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 जून को। इंडिया गठबंधन की, और मैं देश में जब भी कोई क्रांति आई है हरियाणा से शुरुआत होती है। इस बार तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा पूरा देश। जब मैं हरियाणा के लोगों से बात करता हूँ कोई कहता है 5 सीट 6 सीट 5-6 से काम ना चल रहा भाई, 10 की 10 सीटों पे बीजेपी को हराना है, हराओगे? 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन को जिताना है। इस सीट पे सुशील गुप्ता जी को सुना अपने अरविंद केजरीवाल को जो कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी एक ऐसा संगठन है जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश के राजनीति में आया है। उनका कहना यह है कि दिल्ली में हमने जिस तरीके से विकास किया है, दिल्ली को बेहतर बनाने की कोशिश की है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की कोशिश की है, वर्ल्ड क्लास यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधाएं देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ देखा जाए तो पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेशंस के माध्यम से यहाँ पर लगातार जो है हमने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिशें की है। आगामी आने वाले वक्त में यहाँ पर जो है देश की सत्ता में बीजेपी के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि धार्मिक आधार पर बांटने वाले इस देश में ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकते। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सोच रखने वालों को भारत छोड़ना पड़ा था, उसी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को चौड़ी करने वाले को भी केंद्र की सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उग्र होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में परचम लहरा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News।